हमारे पास आता नहीं है वो ज्यादा, कभी कभी आता है। नींद आ रही है तो सुई तो लगनी है। रोएगा। सो गाइस ये देखो तुरंत ये नशे में आ जाते हैं गाड़ी के अंदर आते ही। तुमको मुंह पकड़ना पड़ेगा। चली गई चली गई। अरे भाग गया, पोजीशन चेंज कर दी उसने। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज है मंगलवार और मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ। थोड़ी देर में हम निकलेंगे मंदिर के लिए और देखते हैं कि भाई जो हमारे लड्डू भाई साहब हैं रह पाते हैं या नहीं रह पाते हमारे बिना। हालांकि अभी तो गुल्लू है घर पे तो तह रहे, लेकिन जब हम बाद में उसको किला छोड़ के जाएंगे तब हो सकता है थोड़ा सा वो प्रॉब्लम करे। सो फटाफट चलते हैं मंदिर और उसके बाद देखते हैं। अभी मॉर्निंग का मैंने उसको डाइट वगैरह दे दिया है और उसने खाना वाना सब कर लिया है, सुसु पोटी कर लिया है, टहल लिया है, दौड़ लिया है और अब वो आराम से सो रहा है। तो मैं फटाफट मंदिर होके आ जाता हूँ। गाइस अभी बज गया है 2 और ये देखिए यहीं बैठी रहती हैं इसके पास सारा काम धाम छोड़ के। आप इसको अपने कमरा में घुसा लियो, जब देखो तब ये यहीं आके सो जाता है। हम क्या कह रहे हैं, हमने थोड़ी ना घुसाया है, वो यही बैठा रहता है मजे में। ताला लगा देंगे बाहर से आ नहीं पाएगा फिर। भाई वो अपने पापा के पास आके बैठता है आराम से सोता है इधर। आप ज्यादा उसे वो कर लिए हो बिल्कुल से कि हमारे पास आता नहीं है वो ज्यादा, कभी कभी आता है। हमारा प्यारा लड्डू है हमारे पास आके बैठता है। आने नहीं देंगे, एक हफ्ता हम अपने पास रख लेंगे, आप जाएगा फिर देख लेना आप। भाई कुत्ते उसकी आदत बहुत तेज होती है कुत्ती। हम नाम देने लग जाएंगे खाना, हम बता दे रहे फिर भूल जाएगा आपको तुरंत। अभी क्या होता है इसको खाना मैं ही देता हूँ बना, तो उसे जैसे ही मैं एक आवाज लगाऊ तुरंत दौड़ के आता है मेरे पास। तो बॉन्ड अपना ना एकदम तकड़ा हो गया है इसके साथ और इनके साथ। उसको लगता है कि सिर्फ खाना दे रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है ऐसा, रात में भी वो हमारे बगल में आके सो जाता है वहाँ नीचे। उधर मेरे बगल में गुल्लू सो रही होती है, उससे क्या मतलब है, ऐसे क्या होता है। और गाइस आप लोगों को पता ही है गाड़ी खराब हो चुकी है और अब मैंने एक बंदे को बुलाया है। और आज तो इन्हें वैक्सीन भी लगनी है ना, वैक्सीन लगवाना है इनको इवनिंग में। सुइयां लगेंगी आज इनको, रोएगा ये। आज ये रोएगा, सुइयां लगेगी। लास्ट टाइम हम गए थे तो सुई नहीं लगी थी। डीवॉर्मिंग वाली दवाई पिला दी थी। तो अभी पहले गाड़ी वाला, तो गाड़ी तो सही हो जाए तभी तो जा पाएंगे। अरे आपको याद है ये डॉगी हाँ। बोल रहा था उसको कुछ शायद दवाई वाई चढ़ वो लग रही होगी सुई हुई, तो वो खूब रो रहा था चिल्ला रहा था। और ये मैकेनिक को तो कॉल कर दिया है, वो बैटरी लेके आएगा गाड़ी की, बैटरी में वो लगा के ना गाड़ी को स्टार्ट कर देगा। उसके बाद मुझे थोड़ी देर गाड़ी को स्टार्ट रखना पड़ेगा और फिर गाड़ी सही हो जाएगी होपफुली। मानसी ने लाइट चालू छोड़ दी थी कल, तुमने छोड़ी क्यों थी लाइट चालू? इनको शायद मैं पानी पिला रही थी तो मैंने इनको पानी पिलाने के लिए खोली थी। कल नहीं ये परसों की बात है, कल हमने उनकी गाड़ी कहाँ निकाली। तो मतलब 2 दिन से गाड़ी की लाइट ऑन थी भाई, डिस्चार्ज हो जाएगी, बैटरी कितना चलेगी। कोई नहीं अब देखो वो कब तक आता है। गाड़ी में ये सिस्टम होना चाहिए, जब गाड़ी लॉक हुई तो सारी लाइट अपने आप ऑफ हो जानी चाहिए, इट शुड बी। होता है अब नई गाड़ियों में आ रहा होगा, हमारा 6 साल पुराना भी तो मॉडल है। 6 साल पहले क्या बैटरी सेविंग का कोई ऑप्शन था नहीं, ये दिमाग में किसी के था नहीं, क्या बनाते हैं कार साले। है मतलब ये धीरे धीरे आ रही है चीजें। लड्डू लड्डू बैठो लड्डू। अब जगने के बाद क्या करेगा ये सुसु? तो जाओ काम करता है। हमारे सुसु पट्टी खाओ पियो और सुसु पट्टी बस, आओ खेलो सुसु करो हगो फिर सो जाओ फिर उठो फिर सुसु करो फिर खाओ फिर आगो। बेटा सुई लगेगी या सुई? सुई लगेगी। भाई देखते हैं कब तक आता है बंदा, खाने का भी टाइम हो गया और भूख भी लग रही है। मैं एक बार उसको कॉल करता हूँ फिर देखते हैं क्या करना है। भाई 2 बज चुका है और लंच हम लोग कर चुके हैं और मानसी जी यहाँ टाइम खराब कर रही हैं बैठ के। एडिटिंग कर रहे हैं खराब। कहाँ एडिटिंग, पीसी बंद है। पीसी बंद नहीं, आए इसीलिए। और लड्डू हमारा बेड छोड़ के पता नहीं कहाँ डला होगा, देख के आते हैं कहाँ डला है लड्डू। कमरे में होगा और कहाँ होगा भाई, हमारे कमरे में इसको मजा आता उसको भाई। मजा आता इसको, मेरे ही कमरे में आता है फिर देखते हैं। यही होगा सो रहा होगा, धीरे धीरे चलते हैं नहीं तो जाग जाएगा। कहीं कहीं होगा ये रहा। देखो साला कहाँ घुस के सो रहा है इस ट्रेंड के नीचे। सो भाई इसको सोने देते हैं। और गाड़ी भी खराब डली हुई है। अभी 1 घंटे बाद मुझे मैकेनिक का फोन आया कि मैं कंफर्मेशन लेने के लिए कॉल कर रहा हूँ, बताओ। जिसको 1.5 घंटे पहले मैंने कंफर्मेशन दे दी थी, अभी कॉल आया कि भाई मैं तो कंफर्मेशन लेने के लिए कॉल कर रहा हूँ। बाकी जैसी गाड़ी ठीक होती है इसके बाद 5 बजे हमें जाना पड़ेगा डॉक्टर के यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए। पूरा दिन आजकल ऐसे ही जा रहा है। भाई मैकेनिक तो आ गया है लेकिन अब वो कहाँ पर है ये भी मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जो पार्किंग है वो बहुत बड़ी है। मैं उसको बोला है आने के लिए यहाँ पर, लेकिन भाई मुझे लगता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है और पता नहीं कहाँ पे घूम रहा होगा। गाइस गाड़ी तो स्टार्ट हो गई है और अब
आधे घंटे के लिए स्टार्ट करके रखना पड़ेगा, जिससे थोड़े टाइम में इसकी जो बैटरी है वो वापस से चार्ज हो जाएगी। और 2 मिनट का काम था। अपने साथ स्पेयर बैटरी लेके आए थे, बैटरी को इसमें लगाया और बस गाड़ी चार्ज स्टार्ट हो गई। बट अब जो मेरी कार की बैटरी है इसके लिए इसको आधा घंटे करीब करीब चार्ज रखना पड़ेगा, स्टार्ट करके रखना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ 1-2 चक्कर लगा लेता हूँ, क्योंकि या तो इसके अंदर बैठ के मुझे इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसे चालू छोड़ के तो जा नहीं सकती। ये देखो मानसी ने क्या किया है इसके साथ, इसका खिलौना ना उसकी गर्दन में ही टांग दिया है ताकि उसको ढूंढना ना पड़े। लड्डू इसको काला धागा बांधा था कि इसको नजर ना लगे, तो हल्का है ये, कोई ऐसा नहीं, वेट थोड़ी ना है खिलौने में, वेट नहीं है तो क्या वो खेलता रहेगा क्या दिन भर? लड्डू क्या हो गया ऐसे, तो ये भूल जाता है कि इसका खिलौना कहाँ है। लड्डू क्या हो गया तुम्हारे साथ, खेलते रहा है वो? पैर ऐसे नहीं रखो, पैर ना आपको ऐसे नहीं रखना चाहिए। अगर घर में भी पपी है तो आप लोग भी ध्यान रखो, अगर वो पैर पीछे करके फ्लैट करके लेट रहा है ना तो उसके पैर तुरंत सीधे कर दो, क्योंकि किडनी में प्रॉब्लम, किडनी नहीं एक वो बीमारी होती है, वो मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, वो हो जाता है हड्डियों में। ये देखो भाई साहब के गले में जो काला धागा लगा हुआ है उसमें इन्होंने इसका ही टॉय लटका दिया, वो काट लेगा काला धागा? पता नहीं काटेगा, काट तो रहा ही है। ले ये काट रहे, वो काला नहीं काटना, ये काटना है। लो, लो, अबे इधर से उधर लुढ़क दुढ़क तैयार हो चुकी हूँ। और अरे यार सो रहे हो यार, उठाओ उसको और उठो खुद भी। चलो लड्डू, सुइयां लगनी है सुइयां। लड्डू आपके पेट पे अच्छे से एडजस्ट हो जाता है, हमारे पेट पे एडजस्ट नहीं हो पाता, छोटा सा पेट है हमारा, मोटो पेट बड़ा किया है। हाँ तो और बड़ा कर लो आप तो। चलो सुई लगनी है, चलो लड्डू लड्डू देखो, चलो सुई लगेगी, आ जाओ। इन्हें सुसु भी करानी पड़ेगी, पहले सुसु करा के फिर चलेंगे ये। नींद आ रही है उसको, नींद आ रही है तो सुई तो लगनी है, नींद आ रही है उसको भाई, तो क्या किया जाए, गोदी में जाएंगे ये। चलो लड्डू चलो चलो जल्दी चलो। गाइस हम लोग निकल गए हैं और इसकी एक खासियत देखो, जैसे ये गाड़ी में बैठता है ना एकदम इसको नींद आने लगती है, इसको और नशे से चढ़ जाते हैं, छूने की भी जरूरत नहीं है, बहुत आराम से बैठा है। मतलब इसके पहले भाग रहा था इधर उधर उछल के, और जैसे ही गाड़ी में हम बैठे और ये भाई साहब नींद आ गई और ये यहाँ पे बैठ गया है। और जब फरीदाबाद गया था तब भी ये पूरे रास्ते सोते गया था और पूरे रास्ते सोते आया था, 2-3 घंटे की जर्नी पूरा सिर्फ सो ही रहा था ये। और अभी इन भाई साहब को यहाँ पे बैठना था जो इनकी फेवरेट प्लेस है, लेकिन अभी इनको आने दिया तो यही सो गए, बढ़िया आराम से टांगे ऐसे की सो रहे भाई साहब। सुबह फटाफट पहुंचते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे नशा कर रखा हो इन्होंने। और नशेड़ी नशा फूक के आ गया, नशा फूक के आयो क्या तुम? सो रहा है क्या? हाँ, चढ़ जाता है, चलो ना आगे। देखो व्हाइट हस्की, और यहाँ पे ये भाई साहब नहा रहे हैं, साल भर में पहली बार नहलाते नहीं, इनको बेसिक पता भी नहीं था। डर लग रहा है क्या इसको? तो गाइस इनका डन हो गया है वैक्सीनेशन, ये है स्ट्रॉन्ग बेबी है और ये बिल्कुल भी इसने रिएक्ट नहीं किया, बिल्कुल भी ये रोया नहीं। और वो एक और बड़ा हस्की नहा रहा था, इतना वो हल्ला बचा रहा था, लेकिन इसने बिल्कुल भी वैसा डरने वाला रिएक्ट नहीं किया, बिल्कुल सचो। और अंदर एक खूबसूरत व्हाइट हस्की भी था, खूबसूरत था लेकिन। चलो आ जाओ, चलो तुम भी खूबसूरत हो, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं। So guys, ये देखो तुरंत ये नशे में आ जाते हैं गाड़ी के अंदर आते ही, इतना नशीला है, नशीला नशीला। हम जो सो रहे हैं। So guys, अब थोड़ा सा टाइम और लगे घर पहुंचने में, और ये पास में ही है क्लिनिक जो है, और डॉक्टर ने बोला है कि इसको फीवर भी आ सकता है, तो मैंने ऑलरेडी जो दवाई है वो ले ली है, और उसने कहा कि अभी जाके तुरंत दे देना 1 डोज और इवन रात में और कल सवेरे,
जिससे फीवर को अवॉइड किया जा सके, नहीं तो बेचारे को फीवर आ जाएगा तो एकदम लस्ट हो जाएगा। चलो अभी तो कंटिन्यूस इसको वैक्सीनेशन होता रहेगा इसका, हर मंगलवार के मंगलवार इसको लगती रहेंगी और 3 वीक तक चलेगा, टोटल 8 वैक्सीन लगना है इसको। हम क्लिनिक से आ गए हैं और अब इसको थोड़ा सा क्लीन कर देंगे क्योंकि वहाँ पे और भी डॉग्स थे वो सब था। लेट जाओ, चलो सबसे पहले पहियों की होगी सफाई, लड्डू भाई के पहियों की सफाई होगी। और ये देखो कितना गंदा हो गया ना, अभी इसको मैं 2-4 दिन में ना नहलाने वाला हूँ अच्छे से वॉशिंग मशीन में डाल के। तो ये वॉशिंग मशीन आना चाहिए ना, वजह से कार की नहीं होती है। लड्डू को भी डाला, लड्डू हो गया एकदम क्लीन, मसाज वसाज सब हो जाओ इसमें। क्या पहले शादी ब्याह में वीडियो बनाती थी क्या? एकदम क्लोजअप लेना है, क्लोजअप दो, क्लोजअप दो जो तुरंत ही इसकी तारीफ कर दो, तुरंत ही बदल जाता है अपनी बातों से। अभी देखो लड्डू को मैरिनेट किया जा रहा है, मैरिनेट किया जा रहा है ताकि ये अच्छे से पक सके। मैरिनेट किया, देखो क्या हो रहा है। अरे यार वो इतना नहीं साफ, आगे वाले इसे अच्छे से साफ करने थे, इसमें इसने वो खाई थी ना। नहीं हो तो किसी गीले कपड़े से पोंछ देना, किसी दिन वाइप से पोंछ देना। इससे पार्टी वागो, इसको वैक्सीन लगी। पार्टी दे, लौंडे पार्टी दे। अब मैं इसकी कर रहा हूँ ब्रश, क्योंकि क्या हो गया, ये तो चल रही है, ये तो चल रही है कि मसाज हो गई, अब मैं जा रहा हूँ। भाई अभी ब्रशिंग बची है, मसाज तो हो गई है, मसाज हो गई, अब मैं जा रहा हूँ। सर पेडिक्योर मैनिक्योर सर्विस, सर पेडिक्योर मैनिक्योर सर्विस, सर बॉडी मसाज, सर 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 गाइस, ये है फीवर की दवाई जो इसको वैक्सीन लगने बाद आ सकता है, तो एडवांस में हम दे रहे हैं। और ये अंदर तक डालना, गले के अंदर डालना होता है, मतलब गले के अंदर, मतलब ऐसे मुंह के पास रख के, नहीं तो वो जीभ से बाहर निकाल देता है। तुमको मुंह पकड़ना पड़ेगा। चली गई, चली गई, वाह वाह वाह, ये तो गुड बॉय है, पूरा दवाई पी लिया, शाबाश, गुड बॉय, गुड बॉय। इनके ड्राई वॉश के बाद अब इनका खाना चल रहा है, तो देखो खाना सूंघते इनकी पूंछ हिलना शुरू हो जाती है, और मेरी तो चल रही है चाय, और ये इनका शुरू हो चुका है। और को वेट करो, देखो बेटा इसको थोड़ा सा टेस्ट कराओ। कब नहीं काटोगे उंगली? नहीं अब क्यों, अब खाना खिला रहे हो आप, कैसे काटेंगे अब? खा लो लड्डू, ओ लड्डू, मुझको पहले की एक्सपर्टीज है डॉग रखने की, इसीलिए आपके कमरे में घुसा रहता है। जो हमारे साथ देसी खाना खाते थे, जो हम खाते थे वही वो खाते थे, सब्जी रोटी चावल दाल जो हम खाते थे वही वो खाते थे। ये विदेशी ब्रीड है, इनको चाहिए डॉग फूड, डॉग फूड खाएगा लल्ला हमारा डॉग। अब ये भाई साहब जा रहे हैं पॉटी करने, चलो लड्डू चलो, अब इनकी पॉटी होएगी, अब ये थोड़ी देर में पोजीशन लेगा और इसके पीछे हमें सब इनको बालकनी में थोड़ा टहलाते हैं, ये इन्होंने अभी खाना खाया है, तो अब ये पॉटी करेंगे, पॉटी करेंगे, थोड़ा खाने को पचाएंगे। और बड़ी सुंदर लग रहा है नहा धो के। चलो फिर गाइस ब्लॉग कहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लड्डू बाय करो, बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बाय बाय।